रेन 9 साल का एक लड़का है जो कि अपने माँ के साथ रहता है। उसके पिता ने उसके डिवोर्स के बाद उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन माँ की मृत्यु के बाद उसके पापा उसे लेने नहीं आते, बल्कि उसके रिलेटिव्स उसे अपने पास रखने की बात करते हैं, पर वह उन्हें पसंद नहीं करता। उसे लोगों से नफरत होने लगती है। उसके दर्द और गुस्से से उसके अंदर काली परछाई का जन्म होता है जो कि इस दुनिया को नफरत करती है। उसे रास्ते में एक छोटा जीव मिलता है जिसे ब्रेड देकर वह उसे अपना दोस्त बना लेता है। वह सिर झुकाकर रास्ते के किनारे एक जगह बैठा होता है कि तभी दो चोंगा पहने लोग उसके पास आते हैं। उनमें से एक रेन को उसके बारे में पूछता है, पर रेन सिर झुकाए बैठा है। उसे किसी से कुछ बात नहीं करनी। वह उन्हें मार डालने की धमकी देता है। तभी वह चोंगा पहना आदमी उसके करीब आता है। रेन उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह इंसान नहीं कुछ जानवर जैसा था। वह रेन को अपने साथ चलने को कहता है, पर उसका दोस्त वहां से उसे खींचकर ले जाता है। रेन उन लोगों को देखता रह जाता है। वह उन्हें फॉलो करने लगता है और एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां जानवर इंसानों की तरह रहते हैं। यह एक बीस्ट वर्ल्ड है। यह देखकर रेन घबरा जाता है और वह वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता है, पर उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। तभी उसे कुछ बीस्ट मैन पकड़ लेते हैं। एक उसे खाना चाहता है तो दूसरा उसे बेचना चाहता है। लेकिन तभी एक और बीस्ट जिसका नाम याक्सुबो है, वो वहाँ आता है और रेन को उनसे छुड़ाता है और अपने साथ ले जाता है। वह रेन को बताता है कि यह एक बीस्ट वर्ल्ड है और रेन को अपनी दुनिया में वापस चले जाना चाहिए। वह उसे इंसानी दुनिया में भेजना चाहता है, लेकिन तभी कुमाटात्सु वहाँ आता है। कुमाटात्सु वही है जिसने ह्यूमन वर्ल्ड में रेन को अप्रोच किया था। वह रेन को अपने साथ रखने की बात करता है। याक्सुबो इस पर सहमत नहीं होता। तभी उनका तीसरा दोस्त टटेरा वहाँ आता है और याक्सुबो को बताता है कि कुमाटात्सु को एक स्टूडेंट की जरूरत है, लेकिन उसके क्रूर स्वभाव की वजह से कोई भी बीस्ट उसका स्टूडेंट नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने रास्ते से रेन को अपने स्टूडेंट के रूप में चुना है। भले ही उन्हें कुमाटात्सु का यह आइडिया ठीक नहीं लगता, पर वे मान जाते हैं और कुमाटात्सु रेन को अपने घर ले जाता है। रेन को भी इससे कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि वैसे भी इंसानी दुनिया में वह अकेला ही है। कुमाटात्सु रेन को उसका नाम पूछता है, पर वह उसे बताने से इनकार करता है, इसलिए वह उसे एक नया नाम देता है, क्यूटा। अगली सुबह खाने को लेकर दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है जिसके कारण रेन वहाँ से भाग जाता है। कुमाटात्सु रेन को बाहर ढूंढने लगता है। उसी वक्त उसकी मुलाकात लूजन से होती है। लूजन और कुमाटात्सु एक दूसरे के प्रतियोगी हैं जो कि लॉर्ड के पद के लिए लड़ रहे हैं। बातों ही बातों में लूजन को पता चल जाता है कि कुमाटात्सु ने एक इंसानी बच्चे को अपना स्टूडेंट बनाया है। वह उसका विरोध करता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। रेन देखता है कि सभी लूजन की ही हौसला अफजाई कर रहे थे। कोई भी कुमाटात्सु का नाम नहीं ले रहा था। वह महसूस करता है कि जिस तरह अपनी दुनिया में वह अकेला है, उसी तरह इस दुनिया में कुमाटात्सु अकेला है। वह अकेले आगे आकर कुमाटात्सु का हौसला बढ़ाने लगता है। यहाँ ध्यान भटकने पर कुमाटात्सु को एक जोरदार पड़ जाती है। तभी वहाँ पर रैबिट लॉर्ड आकर उनकी लड़ाई को रोक देते हैं। घर जाकर रेन कुमाटात्सु से कहता है कि वह उसका स्टूडेंट बनना चाहता है। यह सुनकर कुमाटात्सु बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन वे ट्रेनिंग करने लगते हैं। कुमाटात्सु अपने कुछ मूव्स करके दिखाता है और रेन को वैसा ही करने को कहता है। रेन बहुत कोशिश करता है पर वैसा नहीं कर पाता, जिस पर कुमाटात्सु उस पर गुस्सा होता है। वास्तव में कुमाटात्सु के ना पेरेंट्स थे ना कोई मास्टर, उसने सब कुछ खुद ही सीखा था, इसलिए उसे यह नहीं पता कि किसी को टीच कैसे किया जाता है। उनके बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कुमाटात्सु कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर चला जाता है। याक्सुबो रेन से मिलता है और इस घटना पर बात करता है। रेन उसे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। याक्सुबो कहता है कि कुमाटात्सु के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वो अक्सर गुस्सा होने पर ऐसा ही करता है। इसके बाद रेन इस बीच खुद से खाना पकाता है, कमरे की सफाई करता है और कपड़ों को धोता है। एक दिन जब वह मार्केट जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात लूजन के बेटे सिरोमारु से होती है। सिरोमारु रेन को ह्यूमन होने के कारण बुली करता है, लेकिन उसका भाई इचिरो उसे ऐसा करने से रोकता है। कुछ दिनों बाद जब कुमाटात्सु अपने घर वापस आता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि उसका घर इतना साफ सुथरा कैसे है। डिनर के दौरान रेन कुमाटात्सु को लूजन से कंपेयर करने लगता है और कहता है कि लूजन सुबह सुबह उठकर कई जरूरी काम करता है, जबकि तुम दोपहर तक सोते रहते हो। तुम बहुत आलसी हो, इतना कि अपना घर भी साफ नहीं रखते। कुमाटात्सु को यह अच्छा नहीं लगता। वो रेन पर चिल्लाता है और मारने के लिए दौड़ता है। रेन वहाँ से भाग जाता है। कुमाटात्सु गुस्से से चिल्ला रहा होता है कि तभी वहाँ रैबिट लॉर्ड आ जाते हैं। वह चुप हो जाता है। रैबिट लॉर्ड उसे कई पास देते हैं और कहते हैं कि अपने स्टूडेंट के साथ तुम दूसरे लॉर्ड से मिलो और पता करो कि वास्तविक स्ट्रेंथ आखिर है क्या। वे लोग इस यात्रा में निकल पड़ते हैं। वे सभी लॉर्ड से मिलते हैं, लेकिन एक्यूरेट आंसर उन्हें नहीं मिल पाता और वापस चले आते हैं। रेन सोचता है कि वो ऐसा क्या करे कि फाइट करना सीख सके। तभी उसकी माँ वहाँ अपीयर होती है और अपने मास्टर को फॉलो करने की सलाह देती है। भले ही यह रेन के ही सोच का एक हिस्सा था, लेकिन अगली सुबह रेन वैसा ही करने लगता है और अपने मास्टर का नकल करने लगता है। वह उसके मूव्स सीखने लगता है। कुमाटात्सु को पता चल जाता है कि रेन उसे कॉपी कर रहा है।
पर क्यों कर रहा है यह उसे नहीं पता। याकसुबो जो यह सब देख रहा था वह कुमाटात्सु को बताता है कि रेन उसी तरह उसका इमिटेट कर रहा है जैसा बच्चा अपने फादर का करता है। यह सुनकर कुमाटात्सु बहुत खुश होता है और रेन को उसकी कॉपी करने से नहीं रोकता। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक दिन रेन किचन में काम कर रहा होता है और कुमाटात्सु बाहर ट्रेनिंग कर रहा होता है। रेन उसे बिना देखे ही उसे इमिटेट करने लगता है। अचानक उसे ख्याल आता है कि वह तो बिना देखे ही उसके मूव्स को कर पा रहा है, मतलब उसे कुमाटात्सु के सारे मूव अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। अगले दिन वो कुमाटात्सु से एक फाइट करता है जिसमें वह उसे आसानी से हरा देता है। इसे देखकर याकसुबो और टोटेरा दोनों सरप्राइज्ड हो जाते हैं। उसके बाद कुमाटात्सु और रेन के बीच रियल प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। रेन कुमाटात्सु को न्यू मूव सिखाता है। कुमाटात्सु उसे फाइटिंग टेक्निक सिखाता है। इस दौरान एक दिन बाहर फिर से शिरोमारु रेन को तंग करने लगता है, पर इस बार रेन भी उसे अच्छा सबक सिखा देता है। उसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है। अब रेन 17 साल का हो चुका है और वह एक स्किल्ड फाइटर बन चुका है। रेन के इस स्किल को देखकर अब बहुत सारे बीस्ट कुमाटात्सु के स्टूडेंट बनना चाहते हैं और लंबी कतार लग जाती है। लेकिन इतने साल साथ बीतने के बाद भी उनका एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति सेम ही है। एक दिन उनमें फिर से आर्गुमेंट हो जाता है और रेन वहां से भाग जाता है और कुमाटात्सु उसे भगाता है। भागते भागते रेन एक ऐसी गली में जा पहुंचता है जो उसके लिए कहीं जानी पहचानी सी थी। वह उस ओर आगे बढ़ जाता है और पाता है कि वह इंसानों की दुनिया में आ पहुंचा है। वह एक लाइब्रेरी की तरफ जाता है और एक बुक निकाल कर उसे पढ़ने की कोशिश करता है, पर पढ़ नहीं पाता। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम यूरी है। वह उसे रीड करने में हेल्प करती है। घर जाते हुए यूरी को कुछ स्टूडेंट परेशान करने लगते हैं। तभी रेन वहाँ पहुँचता है और उन सबको अच्छा सबक सिखा कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। यूरी उसके बारे में और जानना चाहती है। रेन बताता है कि वो बुक्स पढ़ना चाहता है पर पढ़ना नहीं जानता क्योंकि 9 साल की उम्र में ही उसने स्कूल छोड़ दिया था। यूरी कहती है कि वह उसे पढ़ना सिखाएगी। इस तरह वो उसे पढ़ना सिखाने लगती है और उनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है। रेन पढ़ने का आनंद लेने लगता है और कभी कभी तो वह यूरी की होमवर्क भी कर देता है। पढ़ाई के प्रति रेन के इंटरेस्ट को देखकर यूरी उसे कॉलेज में दाखिला लेने को कहती है। वे एक दूसरे के फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। रेन कहता है कि वह उसके फादर की तलाश में है। रेसिडेंट रजिस्ट्रार द्वारा उसे अपने फादर का पता भी मिल जाता है। वे दोनों किसी तरह एक दूसरे से मिल भी जाते हैं। उसके फादर उसे कहते हैं कि वो उसको बरसों से ढूंढ रहे थे पर उसका कहीं पता नहीं चल पाया था। उन्हें तो ये भी नहीं पता चला कि उसकी वाइफ कब चल बसी। वह अपने बेटे को माफी मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो अब से उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसके साथ रहेंगे। रेन इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। वो वापस कुमाटात्सु के पास चला जाता है और ह्यूमन वर्ल्ड में हुई सारी बातों को बताता है। कुमाटात्सु को यह सब अच्छा नहीं लगता। रेन वहां से चला जाना चाहता है पर कुमाटात्सु उसे रोकने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन रेन उसकी बातों को नहीं सुनता और उसे छोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाता है। लेकिन उसके मन में कुमाटात्सु के प्रति प्यार है, जिसकी वजह से वो अपने डैड से यह कहकर वापस चला जाता है कि जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप वहाँ नहीं थे। उसके मन का भाव फिर से उभरने लगता है और वह रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। रास्ते के किनारे लगे सफेद पट्टी पर वह अपने शैडो को देखता है, जहाँ उसके दिल में दर्द और नफरत का एक बड़ा सा हॉल उसे दिखता है। वह लाइब्रेरी के यहाँ जाता है जहाँ उसे यूरी मिलती है। वह अपने बस में नहीं है। वह उसे चिल्लाते हुए पूछता है, क्या मैं मॉन्स्टर हूँ या इंसान? वह बार बार यह कहने लगता है। यूरी थोड़ा घबरा जाती है, फिर उसे एक चांटा लगाकर उसके गले मिलती है और कहती है कि सबके अंदर डार्कनेस होती है, लेकिन हमें उससे लड़ना होगा और पार पाना होगा। यह सुनकर रेन शांत हो जाता है। यूरी उसके कलाई में एक बुक मार्क बांध देती है जो उसे याद दिलाएगी कि वो क्या है। रेन बीस्ट वर्ल्ड वापस जाने का चुनाव करता है। उसे वहाँ शिरोमारु से पता चलता है कि कुमाटात्सु और सुजन के बीच निर्णायक फाइट होने वाली है। जो यह जीतेगा उसे लॉर्ड का पद प्राप्त होगा। जाते हुए वो शिरोमारु से कहता है कि नतीजा कुछ भी हो, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में इचिरो रेन पर अटैक करता है। रेन देखता है कि इचिरो के सीने में भी ठीक उसी प्रकार का होल है जो उसे अपनी परछाई में दिखी थी। इचिरो यह कहते हुए चला जाता है कि उसके फादर को कोई नहीं हरा सकता। इधर फाइट शुरू हो जाती है। कुमाटात्सु और सुजन अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं। रेन क्राउड से अपने मास्टर को चीयर करता है। रेन के वापस आने पर कुमाटात्सु ऊर्जा से भर जाता है और एक लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार कुमाटात्सु सुजन को हरा ही देता है। रेन कुमाटात्सु को कांग्रेचुलेट करने के लिए आता है कि तभी एक तलवार से कुमाटात्सु की पीठ पर वार होता है। ये इचिरो होता है। वह कहता है कि इस लड़ाई के विजेता केवल उसका पिता लूजन ही हो सकता है और कोई नहीं। कुमाटात्सु घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। रेन यह सब देखकर इतना अधिक गुस्सा हो जाता है कि उसके सीने में फिर से वही होल क्रिएट होने लगता है और वह बड़ा होता जाता है। वह अपने अंदर के अंधकार के वश में आने ही वाला होता है कि तभी उसे अपने कलाई में बंधी वह बुक मार्क दिखती है और वह इचिरो को मारते मारते रुक जाता है। उसके अंदर की परछाई उस पर हावी नहीं हो पाती और वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को अपने जख्मी और अचेत पड़े मास्टर के पास पाता है। उधर रैबिट लॉर्ड लूजन से इन सारी घटनाओं का
का एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। लुजन बताता है कि वह बहुत पहले इंसानी दुनिया में गया था, जहां उसे एक रोता हुआ बच्चा कहीं अकेला पड़ा मिला था। उसने उस बच्चे की जान बचाई और यहां बीस्ट वर्ल्ड में लाकर उसे पाला पोसा। वह आगे कहता है कि इचिरो के अंदर के डार्कनेस को उसने तब देखा जब पहली बार उसे पता चला कि वह उसका असली फादर नहीं है, और उसने हर संभव या कोशिश की कि उसके अंदर के डार्कनेस बाहर न आ पाए। उधर रेन को इचिरो के ऐसे स्वभाव पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आई, और वह उसे उस परछाई से वापस बाहर लाने के लिए उसे ढूंढने इंसानी दुनिया में निकल पड़ा। वह मानता है कि वह गोला रूपी परछाई उसके अंदर भी मौजूद है, पर उसे कंट्रोल में रखना उसे आता है। वह इंसानी दुनिया में चला जाता है। वहां जाकर वह यूरी से लिए हुए बुक उसे वापस करता है, क्योंकि यह अब उसके काम की नहीं है, वह अब बीस्ट वर्ल्ड में ही रहेगा। लेकिन यूरी उसे छोड़ना नहीं चाहती। तभी भीड़ में से अचानक इचिरो उस पर हमला कर देता है। वह अपने डार्क शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे रेन बड़ी मुश्किलों से डिफेंड करने लगता है। इचिरो बार बार उन पर हमला करता है। उधर कुमाटात्सु जाग जाता है। लड़ाई जीत कर वह बीस्ट वर्ल्ड का लॉर्ड तो बन चुका है, पर वह रेन को बचाने के लिए रैबिट लॉर्ड से स्वॉर्ड गॉड बनने की बात करता है, क्योंकि इस बीस्ट वर्ल्ड में जो लॉर्ड होता है वो किसी भी एक चीज का गॉड बनने की क्षमता भी रखता है, परंतु इसके लिए उसे खुद को बलिदान देना होगा। रैबिट लॉर्ड मान जाता है, जिससे कि कुमाटात्सु स्वॉर्ड गॉड बनने का फैसला लेता है। उधर इचिरो रेन पर अटैक कर रहा होता है। रेन अपने चेस्ट होल से उसके नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है। तभी एक चमकती तलवार वहां आती है। यक्षुबो और बाकी बीस्ट भी वहां पर पहुंच जाते हैं। यक्षुबो उसे सारी बात बताता है कि ये तलवार कुमाटात्सु है, जो कि गॉड के फॉर्म में है। तभी रेन को ट्रेनिंग के दौरान हुई एक बात याद आती है, जहां कुमाटात्सु ने उसे बताया था कि वो अपना तलवार तब तक इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक उसमें उसकी आत्मा ना बसे, और अब सच में उस तलवार में कुमाटात्सु की आत्मा बस गई है। वह तलवार रेन के शरीर में समा जाती है। इसके बाद रेन में कुमाटात्सु की पावर भी आ जाती है, जिसके जरिए वह इचिरो को आसानी से हरा देता है और उसे डार्कनेस से मुक्त कर देता है। जब इचिरो की आंखें खुलती है तो वह अपने सामने अपने फैमिली को देखता है। वह उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उसे प्यार का एहसास होता है। इधर रेन बीस्ट वर्ल्ड से विदा हो रहा होता है। सभी बीस्ट पूरे खुशी के साथ उसे ग्रैंड फेयरवेल देते हैं। क्योंकि अब कुमाटात्सु वहां नहीं है, रेन इंसानी दुनिया में ही रहने का डिसाइड करता है। उस जश्न में यूरी भी वहां होती है। उसके बाद रेन अपने फादर के साथ रहने का निश्चय करता है और यूरी के साथ कॉलेज में एडमिशन भी लेता है। लेकिन इस बीच वह अपने मास्टर कुमाटात्सु के साथ बिताए हुए पलों को भी याद करता है और उसके दिए हुए सीख को भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देता है। और यहीं पर यह एनिमे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। साइन आउट।